जय हिंद साथियों। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है। जनसंख्या नियंत्रण के कानून को लेकर भारत में आए दिन आम चर्चा होती रहती है। लेकिन हाल ही में एक खबर रूस से आई, जहां रूस की सरकार ने घोषणा की है कि रूस में जो महिला 10 या 10 से अधिक बच्चों को जन्म देगी, उस महिला को रूस की सरकार उसके 10वें बच्चे के जब 1 साल पूरे हो जाएंगे, यानी जब उसका पहला जन्मदिन होगा, तो रूस की सरकार उसको 1 मिलियन रूबल, यानी भारतीय मुद्रा में बोले तो करीबन 13 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में देगी। साथ ही साथ सोशल रिकग्निशन भी उसको मिलेगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि रूसी सरकार ने घोषणा क्यों की है, रूस में जनसंख्या को लेकर क्या चिंताएँ हैं, क्या उनके कंसर्न्स हैं, और क्यों सरकार एक ऐसी स्कीम जो कि सोवियत रशिया के टाइम की स्कीम थी, जिसको कि कहा जा रहा है मदर हीरोइन, ये स्कीम है, उसी स्कीम के तहत महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस वहां पर मिलेगी। दरअसल रूस पिछले कुछ समय से लगातार अपनी आबादी में कमी महसूस कर रहा है। रूस में जो मोर्टैलिटी रेट है वो काफ़ी हाई है, बर्थ रेट काफ़ी कम है। फिर कोविड-19 का जो क्राइसिस है, उससे बड़ा इम्पैक्ट रशिया की पॉपुलेशन में हुआ है, काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। और हाल ही में आप जानते हैं कि रशिया लगातार इंगेज है यूक्रेन के साथ वॉर में, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रशियन सोल्जर्स जो हैं उनकी डेथ हुई है। ये सब कारण है जिससे रूस की सरकार को इस प्रकार की स्कीम, इस प्रकार की घोषणा करनी पड़ी, इस प्रकार की स्कीम को लॉन्च करना पड़ा या रिवाइव करना पड़ा। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया कंट्री है, तो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए एक पॉपुलेशन, प्रॉपर पॉपुलेशन उनके पास होनी चाहिए, ये सब कंसर्न्स उनके पास हैं। साथ ही साथ रशिया का जो एक्सपेंशनिस्ट एक नेचर है, जैसे चाइना का भी हम देखते हैं लगातार विस्तारवादी जो नीति है रूस की, तो उसको एक प्रॉपर अपनी आर्मी, प्रॉपर अपनी मिलिट्री को मेंटेन रखना है, और इसके लिए उसको पॉपुलेशन की ज़रूरत है। इस कारण रशियन गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लॉन्च की है। जय हिंद, धन्यवाद।